MSCI India इंडेक्स से मिलने वाला रिटर्न 2019 की पहली छमाई में नकारात्मक हो गया है। छह साल में ये पहला मौका है जब MSCI India इंडेक्स का रिटर्न नकारात्मक हो गया है। उधर शेयर बाजार में गुरुवार को भारी गिरावट दर्ज की गई। महीने के पहले ही कारोबारी दिन विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इक्विटी बाजार से 1,466 करोड़ रुपये निकाल लिए। MSCI इंडिया इंडेक्स वो पैमाना है जिसके आधार पर विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। साल 2019 की पहली छमाही यानी जनवरी से जुलाई तक के पीरियड में इस इंडेक्स में रिटर्न नेगेटिव हो गए हैं। पिछले छह साल में यह पहला मौका है जब इस इंडेक्स से रिटर्न नेगेटिव हुए हैं। जनवरी से लेकर जुलाई तक इस इंडेक्स में 0.8% की गिरावट आई है, जबकि इसी दौरान विकासशील देशों की MSCI EM इंडेक्स में 8% और विकसित देशों की MSCI वर्ल्ड इंडेक्स में 17% की बढ़त हासिल हुई है। उधर शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी है। अगस्त के पहले ही कारोबारी दिन में सेंसेक्स में 463 अंक और निफ्टी में 138 अंक की गिरावट दर्ज की गई। एक ही दिन में इक्विटी बाजार से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 1,466 करोड़ रुपए निकाल लिए। इससे पहले जुलाई का महीना भी शेयर बाजार के लिए अच्छा नहीं रहा। जुलाई के महीने में सेंसेक्स में 2200 से ज्यादा अंक की गिरावट दर्ज की गई। जुलाई के महीने में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक इक्विटी बाजार से 12,419 करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। साल 2002 के बाद ये सेंसेक्स का सबसे बुरा प्रदर्शन है। जिस तरह से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक इक्विटी बाजार से पैसा निकालते जा रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि शेयर बाजार में गिरावट का यह सिलसिला अभी थमने में थोड़ा वक्त लग सकता है। इसरार अहमद शेख, गो न्यूज़।